हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का रचना ऑफिशियल व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आप लोग कैसी हैं? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, चंगे होंगे, घरों में एंजॉय कर। ये वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही स्पेशली वीडियो। ये मेकअप ट्यूटोरियल हमने शेयर किया है ट्रेडिशनल पार्टीज फंक्शंस के लिए, वेडिंग सीजन, नाइट पार्टी, किटी पार्टीज, उन सारे फंक्शंस के लिए हमने ये अपना मेकअप लुक क्रिएट किया है। बहुत ही ऑसम, ग्रेटफुली एंड ग्राम मेकअप लुक, बहुत ही न्यूडी भी है, न्यूडी भी है, रिवर्स आई लाइनर विथ मल्टी आई शेडो, मत ही पूछिए। हमने ये मेकअप ट्यूटोरियल स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाया है, जो किटी पार्टी, नाइट पार्टी, वेडिंग पार्टीज में जाना चाहती है अपने अपना लुक ऐसा क्रिएट करके। तो वीडियो में बने रहिएगा, इस टॉपिक पे मैं वीडियो पूरा शेयर कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप बिगनर्स के लिए मैं मेकअप लेके आई हूँ। तो जो भी हमारे प्रिंसेस सॉरी जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपना मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ही ब्यूटीज, देख सकते हैं हम सब अपना मेकअप करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा मेकअप है ट्रेडिशनल पार्टी, नाइट पार्टी, किट्टी पार्टी, वेडिंग पार्टी, फंक्शंस के लिए मैं मेकअप कर रही हूँ आज। तो चलिए, मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। तो सबसे पहले अपने फेस पे हमने टोनर अप्लाई किया, ताकि हमारा मेकअप एक जो हमारा फेस हो पूरा स्वीट प्रूफ एंड पूरा पोर्स मिनिमाइज हो पाए। उसके बाद ओलिवा का हमने ये मॉइस्चराइज़र लगाया, जो बहुत ही अच्छा था। हमने ओलिवा का मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे पूरा अच्छे से अप्लाई किया। उसके बाद जो हमारा फाउंडेशन था उसको हमने उसी ट्यूब की हेल्प से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया, और सेटिंग स्प्रे सॉरी उसके बाद हमने अपने फिंगर टिप्स से ही, फिंगर और हाथों से ही पूरा ब्लेंड कर लिया। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने पूरा ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं अपने फेस को नोज़ को कॉन्टोर की, क्योंकि थोड़े मेरा नोज़ हैवी है, तो मैंने फिर अपने नोज़ को कॉन्टोर किया, हाइलाइटर पाउडर जो अपने नोज़ पे लगाया, हाइलाइटर पाउडर जो मैंने अपने नोज़ टॉप अप नोज़ पे लगाया। उसके बाद हमने उसको पूरा कॉन्टोर किया, ताकि हमारा जो फेस है बहुत ही प्लफी लुक दे। उसके बाद दोनों हमने चिक बोन को कॉन्टोर किया ब्राउन कॉन्टोरिंग से। उसके बाद हमने पूरा ब्लश लगाया भर भर के अपने चीक बोन पे, पिंक सेट का ब्लश जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सो हमने उसको लगाया पूरा। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैं पूरे चीक बोन पे लगा रही हूँ, मुझे ब्लश बहुत ही अच्छा लगता है, इसे भर भर के मैंने लगा लिया, अपने नोज़ पे भी लगा लिया, ताकि हमारा जो नोज़ बहुत ही पिंक पिंक दिखे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने आईलेट पे हमने आई शेडो अप्लाई किया बहुत ही अच्छे तरीके से। हमने पहले पाउडर लगाया, उसके बाद इनर कॉर्नर पे गोल्डन सिमर कलर का आई शेडो अप्लाई किया, आउटर कॉर्नर पे हमने पिंक सेट कलर का जो आई शेडो लगाया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने पिंक सेट का आउटर कॉर्नर पे आई शेडो लगाया। उसके बाद देख सकते हैं हमारा जो आउटर कॉर्नर कम्प्लीट हो चुका है। सो फाइनली बहुत ही अच्छे से, मुझे तो अच्छा लग रहा था अपना ये आई मेकअप। सो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद हमने लिप को आउटलाइन किया, हमने ब्लैक कलर के लिप लाइनर से हमने अपने लिप्स को ब्लैक लगा लिया। उसके बाद हमने इनर पे हमने अजीब मैरून कलर का, जामुनी कलर का हमने लिप लगाया, लिपस्टिक लगाया, और इनर लिप्स पे हमने रेड कलर का वो स्मच किया, तो कि देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे अपना ये लिप्स कम्बो, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद ये आईब्रोज हमारे थोड़े हल्के थे, इसलिए उसको मैंने सोचा कि क्यों ना उसको फिल कर लिया जाए, तो सो हमने उसको फिल किया। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आईब्रो पेंसिल से हेल्प से ही मैं अपने आईब्रोज को सेट करती हूँ, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो पाता है। उसके बाद जो बचा था वो मेरे आईब्रोज को फिल हो गए। उसके बाद क्या करूँ क्या करूँ, हाँ सो बचा हमारा काजल। मैंने विंग लाइनर के साथ, इनर विंग लाइनर के साथ हमने अपने आई वाटर लाइन को हमने पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद हमने रिवर्स आईलाइनर को ट्रेंड में लिया, और विंग लाइनर के साथ रिवर्स आईलाइनर का मेकअप किया, आई काजल लगाया जो बहुत ही ट्रेडिशनल है एंड ट्रेंडिंग में है।
तो रिवर्स आईलाइनर पूरा भर के लगाया, भर भर के तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। कार्निटी क्या बोलते हैं, नाइट पार्टी किट्टी पार्टी है तो मेकअप तो कर सकते हैं, फुल मेकअप कर सकते हैं, नाइट की बात है। तो फाइनली हमारे आईज में कंप्लीट हो चुके हैं। सोच रही मैं क्या करूं, बचा था हाइलाइटर, उसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं भर भर के हाइलाइटर भी लगा रही हूँ ताकि हमारे चिक बोन, लिप्स, नोज, बाकी हाईलाइट हो सके। सेटिंग स्प्रे के साथ मैं अपने मेकअप कंप्लीट की तो फाइनल लुक दिखने के लिए बेचैन है तो देख सकते हैं। सो हमारा हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा। अगर कुछ चाहते हैं कि हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। आपको हमारा ये मेकअप किटी पार्टी, नाइट पार्टीज, वेडिंग पार्टीज का ये लुक हेयर स्टाइल अच्छा लगा तो थैंक यू, कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। लव यू ऑल। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे चैनल अच्छे से ग्रो कर पाए। लव यू, बाय।